नमस्कार बच्चों मैं राजिका अग्रवाल आपके साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में है पर ये स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए क्लास का चैप्टर नंबर फोर हम पढ़ने वाले हैं कार्बन तथा उसके यौगिक इस एक क्लास के अंदर मैं आपको ये पूरा चैप्टर याद करवा दूंगी एग्जाम तक आपके दिमाग के अंदर ये चैप्टर छप चुका होगा आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली तो अगर आप क्लास में आ चुके हैं तो क्लास के लास्ट तक आपको बने रहना है देखिए चैप्टर का नाम है अपना यहाँ पर कार्बन तथा उसके यौगिक तो सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में मालूम होना चाहिए कार्बन क्या है इसकी क्या प्रकृति होती है कैसे जो है कार्बन हमारे इस पर्यावरण के अंदर उपस्थित है इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं देखिए जब अपन पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं यानी कि आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो उस आवर्त सारणी के अंदर क्या होता है बहुत सारे तत्व मौजूद हैं। आवर्त सारणी के अंदर अपने क्या है तत्व मौजूद है उनमें से कुछ तत्व जो है वो अपने क्या है धातु कुछ तत्व जो है वो अपने क्या है आधातु और कुछ तत्व है जो अपने क्या है यहाँ पर उपधातु। तो जब अपन बात करते हैं कार्बन की तो जो कार्बन है वो अपना होता है आधातु कार्बन क्या है अपना अधातु कार्बन को अपन व्यक्त करते हैं सी से हर एक तत्व का एक प्रतीक चिन्ह होता है जैसे कि मैग्नीशियम की बात करें तो एम होता है एल्यूमिनियम की बात करें तो ए एल होता है कार्बन की बात करें तो सी होता है ऑक्सीजन की बात करें तो ओ होता है तो ऐसे ही आपका जो कार्बन है उसका प्रतीक चिन्ह होता है सी अब जब अपन बात करें इसके परमाणु क्रमांक की क्योंकि जो आपकी नई आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर ही व्यवस्थित किया गया है तो जो कार्बन है उसका परमाणु क्रमांक होता है कितना छ अब छह परमाणु क्रमांक है जितने परमाणु क्रमांक है उतने ही उसके अंदर क्या होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी जब अपन किसी परमाणु की संरचना बनाते हैं तो देखो उसका नाभिक होता है और ये यहाँ पर ये कक्षाएं हैं इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और जो नाभिक होता है उसमें प्रोटोन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं होते नहीं होते भाई अब देखो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है कार्बन के अंदर तो हमने इसका परमाणु क्रमांक कितना लिखा है छह लिखा है परमाणु क्रमांक है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी छे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं तो वन एस टू टू एस टू टू पी टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई कि नहीं हुई देखो दो चार और ये छे इलेक्ट्रॉन हो गए छ इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो कितनी है बाह्यतम कोश का मतलब है जो लास्ट वाली श्रृंखला चल रही है यानी कि दो वाली श्रृंखला चल रही है ना लास्ट ये इसका बाह्यतम कोश है तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन ये रहे दो इलेक्ट्रॉन ये रहे तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई इसके कितनी चार अब देखिए ये जो आपका कार्बन है इसके बाह्यतम कोश में चार इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो ये जो आपका कार्बन है इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अष्टक क्यों पूर्ण करता है कोई भी तत्व अपने उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या चाहिए चार इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है या तो ये चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या फिर अपने ये चार इलेक्ट्रॉन क्या कर दे ये दान कर दे जिसके इसके भाईतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाए सिर्फ दो अब देखो ये जो कार्बन है ना ये ना तो अपने चार इलेक्ट्रॉन देगा यानी कि दान करेगा ना ही अपने चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये क्या करता है कि भाई अगर मान लीजिए इसने क्या किया चार इलेक्ट्रॉन अपने दान कर दिए तो इसके प्रोटोनों की संख्या तो छह होगी लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो सिर्फ दो ही रह जाएगी और अगर इसने चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो इसमें प्रोटोनों की संख्या छह लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी दस तो इसीलिए ये जो अपना कार्बन है ना ही अपने चार इलेक्ट्रॉन दान करेगा ना ही चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये अपने चार इलेक्ट्रॉन की क्या करता है साझेदारी करता है क्या करेगा साझेदारी करेगा जब कोई भी बिजनेस किया जाता है तो दो लोग मान लो कि उस बिजनेस को कर रहे हैं आधा पैसा एक ने मिलाया आधा पैसा दूसरे ने मिलाया और उन्होंने एक कंपनी बना ली तो ऐसे ही कार्बन क्या करेगा अपने चार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा कि जैसे मान लो हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर रहा है तो ये हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के बाहेतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी की और एक बंद का निर्माण कर लिया ठीक है अब ये कैसा बंद बना रहा है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है इसीलिए ये जो बंद बनाता है वो कौन सा बंद बनाता है सह संयुजी आबंद बनाता है तो कार्बन के अंदर सहसूजी आबंद बनाने की प्रवृत्ति जो है वो पाई जाती है क्लियर बात यहां पर अब देखिए जो आपका कार्बन ना हर चीज में मौजूद है हमारे शरीर के अंदर कार्बन है प्लास्टिक की चीजें कार्बन है वायुमंडल के अंदर कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में खनिजों के रूप में कार्बन है यानी कि ये जो कार्बन है वो पाया जाता है हमारी प्रकृति के अंदर सभी चीजों के अंदर जो है अपने कार्बन मौजूद होता है देखिए भाई कार्बन क्या है अपना अधातु है परमाणु क्रमांक कितना है इसका छे रासायनिक प्रतीक चिन्ह क्या है सी इलेक्ट्रॉनिक विनिया चार ठीक है यानी कि छह इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है आगे देखिए इसकी संयोजकता कितनी है चार देखिए इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितनी चार तो इसकी संयोजकता कितनी हुई बच्चे चार संयोजकता हो गई ये चतुसंयोजक होता है सजीवों तथा तो बहुत से निर्जीवों में जो आपका कार्बन है वो उपस्थित होता है मैंने क्या कहा प्लास्टिक की जितनी भी चीजें लोगे सब में आपके कार्बन है हमारे अंदर कार्बन है आप कुछ चीज खा रहे हो जैसे मान लो कि ग्लूकोज लिया तुमने ठीक है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है सी सिक्स एच सिक्स इसमें कार्बन है कि नहीं है तो हर एक चीज में आपके कार्बन मौजूद है खनिजों के रूप में 0.02 प्रतिशत है और अगर अपन बात करें कि अपने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कितना कार्बन मौजूद है तो 0.03 पॉइंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये मौजूद है पहली बात तो क्लियर कि भाई कार्बन की कैसी प्रकृति है कैसा ये बंद बनाता है किसको इस किससे इसको प्रदर्शित किया जाता है क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अब ये जो कार्बन है वो क्या एक ही भौतिक अवस्था में मौजूद है या फिर अलग अलग भौतिक अवस्था में मौजूद है है हाँ ना तो इसी के लिए अपन बात करेंगे फिर आप किसके बारे में अपर रूपों के बारे में अपर रूप का मतलब क्या होता है जैसे कोई भी तत्व हमने यहां पर तत्व क्या ले लिया अपना कार्बन ले लिया अब इस कार्बन के जो भिन्न भिन्न रूप होते हैं जिनके भौतिक गुणधर्म क्या हो अलग अलग आपको समझ में आता है भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं भौतिक गुणधर्म का मतलब है जिन्हें अपन भौतिक गुण जिन्हें अपन देख सकते हैं उन्हें महसूस कर सकते हैं लेकिन रसायनिक गुणधर्म को अपन ऐसे देख नहीं सकते प्रत्यक्ष तरीके से ठीक है तो यहां पर इनको अपन कहते हैं भौतिक गुणधर्म जो है आपके अलग अलग होते हैं किसके अपर रूपों के लेकिन रासायनिक गुण क्या होंगे समान होंगे यानी कि उनके अंदर अभिक्रिया कैसी होगी एक जैसी होगी लेकिन भौतिक गुण वो दिखने में क्या होंगे अलग अलग प्रकार के होंगे तो अब अपन बात करते हैं कार्बन के अपर रूपों की के कार्बन के कितने अपर रूप है तो कार्बन के यहां पर अपने तीन अपर रूप होते हैं कौन कौन से हीरा ग्रेफाइट और फुलरीन एक एक के बारे में देखते हैं सबसे पहले देखो हीरा सुनते ही तो आप सभी के आंखों में आ गई है चमक तो भाई हीरा चमकता है ना देखिए हीरा तो ही ही जो है वो कार्बन का अपरूप है इसमें क्या होता है हीरे के अंदर एक कार्बन परमाणु है वो अन्य चार कार्बन परमाणुओं से ऐसे जुड़ा रहता है है ठीक ऐसे चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है और त्रिवीमीय संरचना बनाता है कैसी बनाता है त्रिवीमीय संरचना का निर्माण करता है आपके कौन हीरा आपको है हीरा इतना कठोर क्यों होता है पता है आपको कि ये हीरा इतना कठोर है क्योंकि इसमें एक कार्बन परमाणु जो है अन्य चार कार्बन परमाणुओं से अन्य चार कार्बन परमाणुओं से एकदम ऐसे बिल्कुल कठोर तरीके से टाइटली जो है पैक रहता है यानी कि टाइटली आबंधित रहता है इसीलिए आपका हीरा इतना कठोर होता है हीरा जो है वो आपकी प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ है कौन हीरा क्लियर यहां पर अब देखिए हीरे में ऐसी त्रिवीणीय संरचना बन गई और हीरा जो होता है वो विद्युत का क्या होता है कुचालक होता है विद्युत का क्या है ये कुचालक बात करते हैं आप किसकी ग्रेफाइट की तो देखो ग्रेफाइट में क्या होगा एक कार्बन परमाणु एक कार्बन परमाणु जो है वो अन्य तीन कार्बन परमाणु से किससे अन्य तीन कार्बन परमाणु से उसी तल में जुड़ा रहता है अब इसमें क्या होगा देखो कुछ इस प्रकार से इसकी षटकोणीय संरचना होती है कि इसकी ग्रेफाइट की क्लियर दूसरी चीज क्या याद रखनी है जब एक कार्बन परमाणु अपने तीन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है तो यानी कि इसकी एक संयोजकता बाकी है क्योंकि हमारा कार्बन जो है वो क्या है चतु संयोजक है तो जब इसकी एक संयोजकता बाकी है तो इसीलिए इसमें क्या पाया जाता है एक दुई पाया जाता है ठीक है तभी तो उसकी सहयोगता पूरी होगी जैसे मान लो एक कार्बन ये रहा एक कार्बन ये रहा ठीक है अब इसकी सहयोगता पूरी करनी है तो मैं इस तरीके से यहां पर ये बंद बना के इसकी सहयोगता पूरी करूंगी तभी तो हर एक कार्बन की एक दो तीन चार सहयोगता पूरी हो रही है लेकिन यहां पे तो एक कार्बन तीन से ही जुड़ रहा है तो इसीलिए एक क्या पाया जाता है दुई आबंद यानी कि डबल बॉन्ड पाया जाता है क्लियर मैंने क्या कहा अपर रूपों में रासायनिक गुण समान होंगे यानी कि हीरा आपका विद्युत का कुचालक है तो ग्रेफाइट भी होना चाहिए लेकिन जो ग्रेफाइट है ना वो आपके आधातुओं में अपवाद है अपवाद का मतलब क्या होता है जो उस गुण को फॉलो नहीं करता उसको अपन कहते हैं अपवाद तो यहां पर जो ग्रेफाइट है वो क्या है आपका अपवाद है क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है आपको पता है आपकी जो पेंसिल है उस पेंसिल की जो नोक है ना वो आपकी ग्रेफाइट की बनी होती है अगर आपको विश्वास नहीं आता ना कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है कि नहीं है तो आप उस पेंसिल को लो दोनों साइड से छील दो और उससे वायर कनेक्ट करके तार कनेक्ट करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट करो मतलब करंट जो है वो फ्लो कर दो यानी कि विद्युत द्वारा प्रवाहित कर दो आप देखना वो विद्युत का क्या निकलेगा सुचालक निकलेगा घर पर नहीं प्रयोग करना है ये ठीक है अब बात करते हैं किसकी की, जो फुलरीन की संरचना होती है इसकी तो कैसी में है में संरचना उसकी षटकोणीय ये जो आपका फुलरीन होता है ना वो फुटबॉल जैसी संरचना बनती है इसकी किसकी फुलरीन की जो संरचना होती है वो होती है आपके फुटबॉल जैसी गुम्बद के आकार का होता है ये अब ये जो फुलरीन है ना सबसे पहले किस फुलरीन की खोज की गई सी सिक्सटी फुलरीन की खोज की गई अब इसका नाम किसके नाम पे दिया गया तो एक आपके आर्किटेक्ट थे आर्किटेक्ट का मतलब होता है जो ढांचे बनाते हैं ना घरों के वो तो आर्किटेक्ट थे उनके नाम पर इसका नाम दिया गया और उनका नाम क्या था बक मिनिस्टर फुलर क्या बक मिनिस्टर फुलर के नाम पे जो है आपके इस फुलरीन का नाम फुलरीन पड़ा ठीक है आर्किटेक्ट के नाम पर क्लियर तो ये क्या है आपके कार्बन के अपर रूप है देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हीरे की हीरे में एक कार्बन परमाणु है वो अन्य चार कार्बन परमाणुओं से त्रिवीण संरचना में जुड़ा हुआ है ये किसके पीछे की साइड है ना ये कार्बन ये अन्य चार कार्बन से जुड़ा हुआ है ठीक है और हीरा बनता है जो कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के अन्य चार परमाणु से जुड़ा रहता है एक त्रिविमीय संरचना वाली जो संरचना है वो बनाता है हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है क्लियर हीरा चमकता क्यों है तो हीरा जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से चमकता है क्लियर आगे देखिए ग्रेफाइट ग्रेफाइट में क्या होगा एक कार्बन परमाणु अन्य तीन कार्बन परमाणुओं से उसी तल में जुड़े रहेंगे और ऐसे शिटकोणीय संरचना का निर्माण करते हैं इसे अपन कहते हैं ग्रेफाइट प्रत्येक कार्बन परमाणु तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से उसी तल में जुड़ा कैसा व्यू षटकोणीय व्यू एक आबंध क्या होता है द्विबंध क्यों? क्योंकि कार्बन की सहजकता होती है चार तो इसीलिए उसकी सहजकता को पूर्ण करने के लिए इसमें क्या होता है एक डबल बॉन्ड होता है द्वि आबंध होता है क्लियर ये जो है विद्युत का सुचालक होता है चिकना वे फिसलनशील होता है पेंसिल की नोक जो है वो आपकी किसकी बनी होती है ग्रेफाइट की बनी होती है अगर आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आ जाए कार्बन के अपरूप के बारे में तो तीनों के बारे में आपको लिख के आना है सबसे पहला कि भाई इनकी संरचना कैसी होती है दूसरा जो है ये विद्युत के सुचालक है कुचालक है ये आप लिख सकते हैं इस प्रकार की चीजें आप इन तीनों के बीच में अंतर करके लिख के आ सकते हैं क्लियर थर्ड देखिए आपका है फुलरीन ऐसे फुटबॉल की जैसी संरचना होती है किसकी फुलरीन की किसके जैसी है फुटबॉल के जैसी या फिर अपन बात करें किसके गुंबद के आकार की जो है इसकी संरचना होती है फुलरीन की बक मिनिस्टर फुल्लर के नाम पे इसका नाम रखा गया है सबसे पहले खोज किसकी C60 की पहचान कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित नाम अमेरिकी आर्किटेक्ट व डिजाइनर बक मिनिस्टर फुल्लर के नाम पर रखा गया क्लियर हुई बात यहाँ पर तो ये हुई भाई थोड़ी सी कार्बन की बात थोड़ी सी कार्बन की, की बात अब अपन बात करते हैं कि भाई ये कैसे आबंध बना रहा है तो मैंने आपको बताया कि कार्बन के अंदर सह संयोजी आबंद बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है सह संयोजी आबंध क्या होता है कि ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है क्या करता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है देखो में ना तो दान करेगा ना ही ग्रहण करेगा ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक हाइड्रोजन का अणु बनाऊ क्या बनाऊ हाइड्रोजन का अणु बनाने की पहले कोशिश करते हैं अपन देखो हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं ठीक है दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ले लिया एक हाइड्रोजन ये ले लिया हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है एक ठीक है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वन एस वन क्लियर यानी कि इसके बाह्यतम कोष में इसका तो कोष ही एक है तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिर्फ एक तो यहां पर एक इसके पास इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन ठीक है अब ये क्या कहेंगे कि आजा भाई यहां पर हाइड्रोजन का एक अणु बनाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेते हैं साझेदारी कर लेते हैं साथ मिलके बिजनेस कर लेते हैं आधा पैसा तूला आधा पैसा मैं लाता हूं और एक कंपनी खड़ी कर लेते हैं ठीक है तो यहां पर ये यह क्या करते हैं इस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की और ये हाइड्रोजन का अणु यहां पर बन जाता है ठीक है ये हाइड्रोजन का अणु यहां पर बन जाता है ऐसे ही अगर अपन बात करें ऑक्सीजन के अणु बनाने की देखो ऑक्सीजन का अणु बनाओ आपने देखा है जब भी इस ऑक्सीजन के अणु को अपन खोल के लिखते हैं, तो इस तरीके से लिखते हैं। अब आप कहोगे कि मैम हाइड्रोजन में तो केवल एक ही बंध बनाया लेकिन ऑक्सीजन में ऐसे दो बंध क्यों बनाए तो इस चीज को क्लियर करें अपन यहां पर देखो ऑक्सीजन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना है आठ अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो वन एस टू टू एस टू टू पी कितना आ जाएगा टू पी फोर ठीक है दो चार और चार चार आठ बाहर कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो कितनी है चार दो छहतम कोष में है छ इलेक्ट्रॉन अब एक ऑक्सीजन लो छ इलेक्ट्रॉन बना दो एक दो तीन चार पाँच छ दूसरा ऑक्सीजन लो छ इलेक्ट्रॉन बना दो एक दो तीन चार पाँच छ हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन आपके किसमें उपस्थित होते हैं जोड़े के रूप में मौजूद होते हैं तभी है ना यहाँ पर अब देखिए छह इलेक्ट्रॉन इसके पास है छह इलेक्ट्रॉन इसके पास है अब इनको अपना पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता अष्टक पूर्ण करने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता तो ऑलरेडी है तो ये क्या करते हैं अपने दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं यहां पर क्या हुआ एक एक इलेक्ट्रॉनों की तो साझेदारी हुई यहां पर दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं इसीलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में यहां पर अपन ने क्या लगाया है दुई आबंद लगाया है तो इन्होंने क्या कि अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की इसी को अपन कहते हैं सहसोयुजी आबंध बनाने की प्रकृति अब कार्बन भी ऐसे ही करता है अगर यहां पर अपन बनाए किसको मीथेन के अणु को मीथेन का फॉर्मूला होता है सी एच फोर क्लियर अब देखो CH4 में क्या है एक कार्बन है जिसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं चार हाइड्रोजन लगे हुए हैं अगर इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की निर्माण हम यहां पर करें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहां पर देखें तो देखो क्या होगा एक कार्बन है ठीक है इसकी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या चार ठीक है अब हाइड्रोजन लेकर आएंगे एक हाइड्रोजन लेके आएंगे उसके बाद कोश में एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास चार है तो कि चार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है तो चार हाइड्रोजन आए अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ठीक है चार हाइड्रोजन आए अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके तो ये क्या करेगा इन चारों से क्या करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा और इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा सी एच फोर बन जाता है तो ना तो ये दान करेगा ना ही ये क्या करेगा ग्रहण करेगा अपने इलेक्ट्रॉन क्लियर हुई बात यहाँ पर चलिए देखिए जैसे हाइड्रोजन का अणु हमने बनाया हाइड्रोजन के एक जो परमाणु होता है उसकी परमाणु क्रमांक कितना हाइड्रोजन का एक बाहत्तम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक अब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन का एक अणु जब अपन ने बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन -एक एक की क्या हुई साझेदारी हुई ऐसे ही अपन ने ऑक्सीजन के अंदर भी देखा कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है इसीलिए जब अपन इसको लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं अगर अपन अब यहां पर बात करें किसकी नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी कितनी तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी इसीलिए जब अपन एंटू का अणु बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं क्लियर हुई बात यहाँ पर और ऐसे ही अपना क्या बन गया मीथेन बन गया एक कार्बन परमाणु है चार अन्य हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है और आपके क्या बना लिया मीथेन यानी कि यहाँ पर सी एच फोर बना लिया इसको अपन क्या कहते हैं बच्चे सी एन जी कहा जाता है संपीडित प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है इसका दूसरा नाम बच्चे क्या होता है मार्श गैस या फिर गोबर गैस भी होता है ठीक है क्या मार्श गैस या फिर गोबर गैस भी होता है क्लियर हुई बात यहाँ पर ये यह चीज आई समझ में कि कार्बन क्या है कार्बन के अपर रूप क्या है और यहाँ पर किस तरीके से जो है इसमें सह संयोजी आबंद की प्रवृत्ति पाई जाती है क्लियर अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी कि भाई सह संयोजी यौगिक में अंतर अणुप बल जो होता है वो क्या होता है कम होता है यानी कि अणुओं के बीच में जो बल है वो क्या है कम सहसयोजी यौगिकों के गलनांग व क्वतनांग भी कम होते हैं क्योंकि जब दो लोगों के बीच में क्या होगा दो लोगों के बीच में कमजोर बंद है दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं है तो आराम से आप उसको क्या कर सकते हो उड़ा सकते हो तोड़ सकते हो तो इसीलिए गलनांग और क्वतनांग क्या होते हैं इनके कम होते हैं सहसोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं क्लियर ये तो बात हो गई किसकी भाई यहां पर ये इस तरीके से आबंध बनाने वाली प्रवृत्ति की अब बात करते हैं कार्बन के गुण की तो देखो कार्बन क्या कहता है कि भाई सब मुझसे दोस्ती करोगे क्या है ना कार्बन क्या कहता है मुझसे दोस्ती करोगे क्या तो कार्बन के अंदर श्रंखलन का गुण पाया जाता है यानी कि दोस्ती करने का गुण पाया जाता है कार्बन के अंदर कार्बन कहता है कि एक कार्बन अन्य दूसरे कार्बन से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है इसे अपन कहते हैं कि कार्बन में जो है अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने के गुण को अपन कहते हैं शृंखलन का गुण ठीक है तो कार्बन के अंदर दूसरे कार्बन या अन्य परमाणुओं से जुड़ के एक लंबी श्रृंखला के निर्माण की प्रवृत्ति पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं शृंखलन का गुण ठीक है ये यौगिक संतृप्त और असंतृप्त हो सकते हैं अब जब अपन बात करते हैं ना संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों की तो देखो यहां पर ये चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आगे बनते हैं ठीक है संतृप्त और असंतृप्त के बारे में जब अपन बात करते हैं तो देखो संतृप्त के अंदर आते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल आबंध दो वो आपके संतृप्त यौगिक असंतृप्त के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में आ तो दुई आबंध हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में आपका त्रि आबंध हो उसको अपन कहते हैं असंतृप्त यौगिक क्लियर संतृप्त यौगिकों के अंदर अपने कौन आते हैं एल्केन आते हैं संतृप्त यौगिकों के अंदर क्या आते हैं एल्केन असंतृप्त यौगिकों के अंदर अपने आते हैं एल्कीन और एल्काइन क्या अंतर है तीनों के बीच में देखो पहला तो यही अंतर हो गया संतृप्त और असंतृप्त वाला एल्केन जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में आपके एकलाबंध एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में दुई आबंध और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में त्रि आबंध होता है दूसरी क्या चीज कि जब अपन किसी भी संतृप्त यौगिक को बनाते हैं तो आपको एक ना एक चीज़ याद करनी है मैं आपको दस तक कार्बन के नाम बता रही हूं उन दस तक आपको याद करना है और कैसे आपके कार्बनिक यौगिक जो है उनका नामकरण किया जाता है फॉर्मूला बनाया जाता है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो अपन वो भी देख लेते हैं तो पहले तो तुम्हें ये दस नाम याद करने पड़ेंगे कैसे तो देखो अगर किसी श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या एक है अगर दो है अगर तीन है तो ऐसे करके मैं लिख रही हूं दस तक ठीक है भाई चलो कितने हो गए दस तक हो गए सात आठ नौ एंड दस क्लियर अगर कार्बन की संख्या एक है किसी श्रृंखला के अंदर तो वो है आपके मैथ अगर कार्बन जो है आपके दो है तो वो है आपके एथ कार्बन अगर तीन है तो वो आपके है प्रॉप चार है तो वो आपके है ब्यूट पांच है तो वो आपके क्या है पेंट छ है तो वो आपके क्या है, है सात है तो हेप्ट आठ है तो ऑक्ट नौ है तो नॉन और दस है तो आपके क्या डेक ठीक है ये हो गए आपके अगर किसी श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या एक दो तीन चार एक से दस तक है तो ये आपको याद करने हैं तभी आप आगे नामकरण कर पाएंगे एलकेन में इनके पीछे प्रत्यय लगाते हैं ना अपन जैसे हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय उपसर्ग आगे लगते हैं प्रत्यय पीछे लगते हैं अगर कोई कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध है तो वो आपका एलकेन हुआ तो इनके नेम के पीछे अपन क्या लगाते हैं एन प्रत्यय जोड़ देते हैं अगर एल्केन है तो एल्केन एन तो इन प्रत्यय जोड़ देंगे जैसे कि मैथेन, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन इस तरीके से अगर आपके एल्कीन कार्बनिक यौगिक है तो आप कौन सा प्रत्यय लगाओगे इन प्रत्यय लगाओगे जैसे कि मेथीन एथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन क्लियर अगर आपके एल्काइन है कार्बन कार्बन के बीच में तीन आबंध है तो आप क्या लगाओगे आयन प्रत्यय लगाओगे क्या प्रत्यय लगाओगे आयन प्रत्यय लगाओगे जैसे कि एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन हेक्साइन इस तरीके से तो ये आपके संतृप्त यौगिक ये आपके असंतृप्त यौगिक अब देखो कैसे जो है हमें इनको पढ़ना है इनके फॉर्मुले भी मैं आपको अभी यहां पर बताने वाली हूं एलकेन जो है उसके लिए आप क्या फॉर्मूला याद करेंगे देखो जब कार्बन की एक श्रृंखला बनाई जाती है ना जैसे मान लो ये कार्बन की मैंने एक श्रृंखला बना ली ठीक है अब इस कार्बन की संयोजकता कितनी होती है चार इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए हम इसमें हाइड्रोजन लगा रहे हैं तो यहां पर ये क्या लगा दिया मैंने हाइड्रोजन लगा दिया इसकी संयोजकता चार पूरी करने के लिए क्योंकि देखो एक कार्बन है एक संयोजकता तो ये रही। बाकी के तीन ये कर दिए अपन ने तीन, तीन हाइड्रोजन लगा के इसमें दो लगेंगे क्योंकि एक और दो, दो तो ऑलरेडी इसकी पूरी है तो दो हाइड्रोजन लगेंगे इस और इसमें तीन हाइड्रोजन लग जाएंगे ठीक है जब अपन इस तरीके से कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाते हैं तो ये क्या है आपका हाइड्रोकार्बन है ये क्या है हाइड्रोकार्बन इनकी कार्बनिक यौगिक है तो यहां पर जब एलकेन होता है तो उसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दे रही हूं एलकेन के लिए पहले तो प्रत्यय याद कर लो एन प्रत्यय फॉर्मूला क्या लगाना है सी एन एच टू एन प्लस टू यानी कि जब आपसे पूछा जाए ना कि पेंटेन का सूत्र बताओ या फिर तुमसे पूछा जाए ब्यूटेन का सूत्र बताओ अब सीधे तुम्हें सूत्र बताना है कैसे बताओगे तुम सूत्र तो ये फॉर्मूला याद कर लो एन यहां पर है कार्बन की संख्या एन क्या है कार्बन की संख्या किसी चेन के अंदर जितने कार्बन दिए हैं उनकी संख्या ठीक है जितने कार्बन की संख्या है उसको जस्ट डबल करो यानी कि जैसे कार्बन की संख्या मान लो किसी चेन के अंदर चार है तो जस्ट डबल कितना हुआ आठ और उसमें दो जोड़ दो तो कितना हो गया दस तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे कि C4H10 का रासायनिक नाम बताओ, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे तो C4H10 का C4H10 का रासायनिक नाम क्या होगा चार नंबर पे क्या आता है मैथ एथ प्रॉप ब्यूट आता है और हमको पता है कि क्या है ये वाला फॉर्मूला लग रहा है ना कार्बन की संख्या का जस्ट डबल आठ और आठ में दो जोड़ा दस तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन नाम हो जाएगा अब आपको ऐसे फॉर्मूला देके नाम पूछ सकते हैं और नाम देके फॉर्मूला पूछ सकते हैं तो अब यहां पर मैं एक आपको नाम देती हूं फिर अपन फॉर्मूला बनाएंगे देखो मैंने नाम दिया पेंटेन क्या नाम दिया मैंने पेंटेन पहले तो ये देखो क्या प्रत्यय लगा हुआ है जब भी आप देखोगे ना तो हमेशा ये देखो कि पहले प्रत्यय क्या लगा हुआ है एन ई या आईन क्या प्रत्यय लगा हुआ है एन प्रत्यय लगा हुआ है यानी कि एलकेन है फॉर्मूला क्या लगेगा सी एन एच टू एन प्लस टू लगेगा क्लियर पेंट कितने पे आता है? मैथ, एथ, पेंट. पांच नंबर पे आता है तो सी पांच पांच का जस्ट डबल करो कितना हुआ दस दस में दो जोड़ो कितना हुआ बारह तो सी फाइव एच किसका फॉर्मूला हो गया यहां पर पेंटेन का फॉर्मूला हो गया Easy है ना? तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और जब भी आपको नाम दे तो ये देख लेना बस क्या प्रत्यय लगा हुआ है ये तो हुआ संतृप्त यौगिकों की एल्केन की बात अगर अपन बात करें यहाँ पर किसकी एल्कीन की तो देखो एल्कीन में क्या होता है बच्चे इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है सी एन एच टू एन यानी कि जितनी कार्बन की संख्या है उसे जस्ट डबल कर दो तो हाइड्रोजन की संख्या निकल के आ जाएगी जैसे मैंने आपको यहां पर एक नाम दे दिया क्या प्रोपीन क्या नाम दे दिया प्रोपीन पहले देखो क्या प्रत्यय लगा हुआ है इन प्रत्यय लगा हुआ है ठीक है इन प्रत्यय लगा कि एल्किन है फॉर्मूला लगेगा सी एन एच टू एन वाला प्रॉप कितने नंबर पे आता है मैथ एथ प्रोप तीन नंबर पे आता है तो कार्बन की संख्या हुई तीन तीन का जस्ट दुगना कर दो कितना हुआ छ तो C3H6 किसका फॉर्मूला हो गया प्रोपीन का फॉर्मूला हो गया क्लियर आई बात समझ में अगर मैं आपको एक फॉर्मूला दू फॉर्मूला है मेरे पास C4H8 फोर एच एट इसका नामकरण करो तो क्या नामकरण करोगे देखो इसमें फॉर्मूला लगा के देखो ये अपना लग रहा है सी वाला चार का जस्ट डबल आठ है ना तो ये एल्कीन है चार नंबर पे कौन आता है आपके मैथ एट प्रॉप ब्यूट वो दस तक याद कर लोगे ना तो बड़े सुखी हो जाओगे तुम है ना चार पे आता है ब्यूट एल्कीन है तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटीन क्या नाम हो जाएगा ब्यूटीन नाम हो जाएगा क्लियर बात आई समझ में ये हुआ आपका एल्कीन अगर अपन बात करें किसकी एल्काइन की किसकी बात करें यहाँ पर एल्काइन की बात करें तो देखो एल्काइन में क्या होगा एल्काइन के लिए आइन प्रत्यय लगता है फॉर्मूला होगा सी एन एच टू एन माइनस टू जितनी कार्बन की संख्या है उसका डबल करो और उसमें से दो घटा दो पहले वाले में क्या किया जस्ट डबल करके उसमें दो जोड़ दिया दूसरे वाले में क्या किया बस डबल करके छोड़ दिया तीसरे वाले में क्या किया डबल करके जो है दो घटा दिया तो वो है आपके एल्काइन जैसे कि मैं यहां पर आपको एक उदाहरण दू C5 और यहां पर आपको लिखू H8। इसका नामकरण करो तो देखो पांच का दुगना कितना होता है दस दस में से दो घटा दो कितना बच्चा आठ तो यानी कि ये क्या है एल्काइन है पांच नंबर पे कौन आता है मैथ एथ प्रो बूट पेंट यानी कि ये क्या हो गया आपका पेंटाइन हो गया तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया ठीक है आई के आई बात समझ में अगर मैं आपसे कहूं एथाइन का फॉर्मूला लिखो एथाइन का फॉर्मूला लिखो पहले तो ये देख लो क्या प्रत्यय लगा हुआ है क्या प्रत्यय है आइन यानी कि एल्काइन है फॉर्मूला लगेगा सी एन एच टू एन माइनस टू क्लियर एथ कितने नंबर पे आता है दो नंबर पे मैथ एथ दो नंबर पे आया दो का जस्ट डबल करो कितना हुआ चार चार में दो घटा दो कितने बचे दो तो यानी कि इसका क्या बनेगा फॉर्मूला C2H2 इसका फॉर्मूला बनेगा एथाइन का क्लियर हुई कि नहीं हुई बात संतृप्त है संतृप्त यौगिक समझ में आए कि नहीं आई एल्किन एल्किन एल्काइन क्लियर चलिए देखिए यहां पर संतृप्त यौगिक इनमें कार्बन परमाणु एक आबंद के द्वारा जुड़े होते हैं संतृप्त में जिनमें आपके एलकेन आते हैं सी एच फोर सी टू एच सिक्स असंतृत यौगिक में या तो दुई आबंद के द्वारा या त्रि आबंद के द्वारा जुड़े रहेंगे जैसे कि सी टू एच टू अभी अभी बनाया ना अपन ने इसका नाम क्या है एथाइन नाम है क्लियर अब यही पर आपके कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है कैसे अपन इनकी श्रृंखला बनाते हैं कैसे इनकी वलय संरचना शाखाएं बनाते हैं देखो संतृप्त कार्बन असंतृप्त कार्बनिक यौगिक संतृप्त के अंदर आपके क्या है एलकेन असंतृप्त के अंदर एल्कीन और एलकाइन संतृप्त में आपके एल्केन का फॉर्मूला क्या हुआ सी एन एच टू एन प्लस टू एन प्रत्यय लगेगा एल्किच टू एन और एलकाइन में ठीक है प्रत्यय लगेगा किसमें के अंदर सबके उदाहरण मैंने बता दिए एग्जाम में हो सकता है नाम देके फॉर्मूला पूछ ले फॉर्मूला देके नाम पूछ ले तो आपको दोनों ही चीज आनी चाहिए देखिए यहां पर हर एक की संरचना बनाई गई है हर एक का सूत्र लिख के मैथेन है मैथेन का फॉर्मूला अभी अपन ने बनाया सी एच फोर एथेन है सी टू एच सिक्स आपने क्या करना है केवल एक सूत्र याद रखो एल्केन के लिए सी एन एच टू एन प्लस टू ठीक है और बस ये फॉर्मूले तो यू ही बन जाएंगे मैथ एक नंबर पे आता है ठीक है एक का जस्ट दोगुना करो कितना होता है दो दो में दो जोड़ दो कितना होता है चार तो सी एच फोर बन गया एथेन कितने नंबर पे आता है दो नंबर पे एथ आता है दो का जस डबल करो चार चार में दो जोड़ दो छे, तो C2, हो गया प्रोपेन देखो प्रॉप प्रॉप कितने नंबर पे आता है तीन नंबर पे तीन का जस दुगुना करो छे, छे में दो जोड़ दो आठ तो सी थ्री एच एट प्रोपेन का फॉर्मूला हो गया ऐसे ही आप ब्यूटेन का बना सकते हैं पेंटेन का बना सकते हैं हेक्सेन का बना सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखा ना ये जो हैक्सेन है इसका फॉर्मूला सी सिक्स एच फोर ऐसी संरचना हमने इसकी बनाई है एक लीनियर लेकिन अगर इसी को हम इस तरीके से एक सर्कल की फॉर्म में बना दे तो ये आपका क्या कहलाएगा साइक्लो हैक्सेन कहलाएगा अब देखो ये जो है है एक ही चीज तो यहां पर जिनके सूत्र समान हो लेकिन संरचना अलग अलग हो उन्हें अपन कहते हैं समावयवी संरचनात्मक समावयवता ठीक है जिनके आणविक सूत्र समान हो संरचना अलग अलग हो जैसे कि अगर, अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं चार कार्बन है सी फोर हाइड्रोजन की संख्या गिनो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस सी फोर एच गिनो कितनी है चार एक दो तीन चार हाइड्रोजन गिनो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस तो इनमें क्या है कि इनका सूत्र समान है कि नहीं है ये भी सूत्र समान है दोनों लेकिन इनकी संरचना में क्या है भिन्नता है इनको अपन कहते हैं संरचनात्मक समावयवी और इस गुण को कहा जाता है संरचनात्मक समावयवता क्लियर है यहां तक समझ में आई चीज कैसे फॉर्मूला देके नाम बनाना है नाम देके फॉर्मूला बनाना है क्लियर अब अपन बात करते हैं किसकी असंतृप्त यौगिकों की असंतृप्त में आपको क्या बताया एक तो एल्कीन बताया और दूसरा आपका क्या बताया एल्काइन बताया ठीक है एल्कीन के अंदर फॉर्मूला क्या लगता है आपका सी एन एच टू एन और एलकाइन में क्या लगेगा सी एन एच टू एन माइनस टू एल्कीन के उदाहरण यहाँ पे दिए हैं एथीन प्रोपीन बेंजीन बेंजीन में क्या होता है इसका फार्मूला C6H6 क्यों है क्योंकि इसके अंदर तीन दुई आबंद है कितने एक दो तीन दुई आबंद है इसीलिए इसका फार्मूला है C6H6 अदरवाइज यहाँ पर ये देखिए आपके यहाँ पर CnH2n वाले फार्मूले से इनके फॉर्मूले आप बना सकते हैं क्लियर हो गई बात यहाँ पर ये हुआ आपका क्या एल्केन एल्कीन बात करते अपन कुछ प्रक्रियात्मक समूहों की फंक्शनल ग्रुप की जैसे मान लीजिए आपके यहां पर मैंने एक श्रृंखला बनाई ठीक है कार्बन और हाइड्रोजन की मैंने एक श्रृंखला बना दी ये आपके क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन लगे हुए हैं कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए ठीक है ये क्या है आपके ये है हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला ठीक है अब क्या होगा कि मान लो कि ये दोनों ग्रुप में रह रहे, रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन ग्रुप में रह रहे, रहे हैं लेकिन अब कोई दूसरे ग्रुप का एक व्यक्ति जो है वो अपने ग्रुप को लेके इस हाइड्रोजन को लात मार देता है और इसकी जगह आके बैठ जाता है तो जैसे मान लो कि ऑक्सीजन है ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन को हटा के खुद इसकी जगह आके बैठ जाए अब ये भी किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा होगा तो ये जो ग्रुप से आया है जिस ग्रुप से आया है उसको अपन कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह क्या कहा जाता है प्रकार्यात्मक समूह कहा जाता है और जो परमाणु इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा उसे अपन कहते हैं विषम परमाणु क्या कहा जाता है विषम परमाणु कहा जाता है क्लियर हुई बात यहां पर जैसे मान लो कि ये जो आपका ऑक्सीजन है वो एक ग्रुप का सदस्य है जो कि ग्रुप है आपका ओएच समूह ये जो ओ एच समूह है वो एल्कोहल समूह है कौन सा समूह है? एल्कोहल समूह मान लो कि ये जो ऑक्सीजन है ना इस ग्रुप का है तो यहां पर इस हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन आ जाएगा ठीक है तो यहां पर ऑक्सीजन जो है वो क्या है विषम परमाणु और ओ जो है वो क्या है प्रकरियात्मक समूह जो कि क्या है एल्कोहल है जैसे आपको मैंने एल्केन एल्किन एल्काइन में प्रत्यय लगाना बताया था उनके फॉर्मूले लगाना बताया था ऐसे ही मैं आपको कुछ और प्रकरियात्मक समूह के बारे में यहाँ पर बताने वाली हूं ध्यान से देखिएगा और ध्यान से उनका नामकरण और संरचना अपन बनाएंगे सूत्र अपन बनाएंगे क्लियर देखिए हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को अपन क्या कहते हैं विषम परमाणु जैसे कि अल्कोहल वाले ग्रुप में आपके ऑक्सीजन ने क्या किया उसको प्रतिस्थापित किया तो ऑक्सीजन क्या है विषम परमाणु ओ OH ग्रुप क्या है यहाँ पर प्रकारात्मक समूह ये विषम परमाणु प्रकारात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं जैसे कि CH3OH में विषम परमाणु ऑक्सीजन है तथा प्रकारात्मक समूह क्या है OH है क्लियर आई कैन यही बात समझ में अब यहां पर इन प्रक्रियात्मक समूह के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा क्लियर चलो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे किसकी सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर एल्केन में ब्रोमो एल्केन और आपके यहां पर हेलो एल मतलब हेलो एल्केन की बात करते थे जिसमें ब्रोमो एल्केन और क्लोरो एल्केन पड़ेंगे ठीक है देखो जब अपन बात करते ना कि जैसे मान लो कि कार्बन की एक श्रृंखला है ठीक है ये हाइड्रोजन से इसकी सहजुगता पूरी हो रही है अब यहां पर क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन से जब इसकी सहजुकता पूरी हो रही है ना इस हाइड्रोजन की जगह मान लो कि ब्रोमीन आ जाए या फिर इस हाइड्रोजन की जगह तुम मान लो क्या आ जाए यहां पर क्लोरीन आ जाए ठीक है क्लोरीन या फिर ब्रोमीन इसको प्रतिस्थापित कर दे कोई भी हेलोजन परमाणु इसको प्रतिस्थापित कर दे तो ये क्या बनता है अपना हैलो एल्केन, ये क्या है अपना हेलो एल्केन है ठीक है क्योंकि एल्केन की श्रृंखला है और हेलोजन इसको हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है तो ये फंक्शनल ग्रुप है आपका हेलो एल्केन इसमें प्रत्यय ना लगा के अपन उपसर्ग लगाते हैं जैसे कि तीन कार्बन है ठीक है एक दो तीन तीन पे क्या आता है प्रॉप एल्केन है तो प्रोपेन लेकिन हैलोजन जुड़ा है इसमें तो ये क्या है आपका हैलोजन है ब्रोमीन तो इसीलिए इसमें ब्रोमीन वाले में ब्रोमो उपसर्ग लगाएंगे क्लोरीन वाले में क्लोरो उपसर्ग लगाएंगे तो यहां पर देखो ये क्या बना एक दो तीन यानी कि ब्रोमो प्रोपेन बन गया इस वाले में देखो क्या बना क्लोरीन लगा है तो क्लोरो एक दो तीन और कार्बन के कार्बन के बीच में सिंगल आबंध है यानी कि एकल आबंध है तो यहाँ पर क्लोरोप्रोपेन बन गया क्लियर तो ये क्या है आपकी ये है यहाँ पर हेलो एल्केन समूह बात करते हैं यहाँ पर अल्कोहल समूह की दूसरी बात किसकी करते हैं दूसरा समूह है वो है आपका अल्कोहल समूह अल्कोहल समूह के अंदर आप देखो जो अपना फंक्शनल ग्रुप होता है वो है ओ एच ठीक है कार्बन की श्रृंखला है हाइड्रोजन लगे हुए हैं अब यहां पर ग्रुप ग्रुप लगा 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 दिया क्या लगा दिया OH लगा दिया क्या जो कि आपका एल्कोहल है एल्कोहल में अपन प्रत्यय जो लगाएंगे वो ऑल प्रत्यय लगाएंगे क्या लगाएंगे ऑल प्रत्यय अब इसमें कार्बन की संख्या गिनो कितनी है एक दो तीन हमेशा नंबरिंग वहां से करनी है जहां पर आपका प्रकार समूह लगा हो क्लियर तो यहां पर एक दो तीन अब देखिए यहां पर इसका नाम क्या होगा ऑल प्रत्यय लगाना है तीन पे क्या आता है आपका प्रॉप तो ऑल प्रत्यय लगा लो क्या बन जाएगा प्रॉपे नॉल तो इसका नाम क्या हो गया बच्चे प्रोपे नॉल नाम हो गया हुआ कि नहीं हुआ प्रॉपे नॉल इसका नाम क्लियर बात यहां पर प्रॉपे नॉल हो गया ये तो हुआ आपका पहला समूह ऐसे आप भी बना सकते हैं में क्या होगा? तीन के चार आएंगे और देखो। गिनो, कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है ठीक है तो इनका फॉर्मूला अपन बनाते हैं देखो कितने कार्बन है एक दो तीन तीन कार्बन हाइड्रोजन गिनो कितने एक दो तीन चार पांच छ सात एच सेवन और ओ एच ग्रुप लगा है तो यहाँ पर प्रोपेनॉल का फॉर्मूला सूत्र क्या हो गया सी थ्री एच सेवन ओ एच हो गया क्लियर बात आई समझ में अल्कोहल समूह हो गया दूसरा तीसरी अगर अपन यहां पर बात करें किसकी कार्बोक्सिलिक समूह की तीसरी बात करते हैं अपन किसकी कार्बोक्सिलिक समूह की देखो कार्बोक्सिलिक समूह में क्या होता है आपका कौन सा ग्रुप जुड़ेगा कार्बोक्सिलिक समूह के अंदर कौन सा ग्रुप जुड़ेगा तो वो जुड़ेगा आपका सी ओ ओ एच इस तरीके से ठीक है अपन इसको ऐसे खोल के लिखते हैं और वैसे अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्लियर इसमें जो प्रत्यय लगेगा वो लगेगा ओइक प्रत्यय क्या लगेगा ओइक प्रत्यय लगेगा ठीक है देखिए जैसे कि मान लीजिए एक दो और यहां पर ये लग गया आपके ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन 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 ये बताइए इसका नाम क्या होगा एक दो तीन कितने कार्बन है तीन कार्बन प्रॉप है ठीक है फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रक्रियात्मक समूह देखो आपका ये है कि नहीं है है ना ये तो यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा ऑइक प्रत्यय इसके अंदर लगा दो तो ये हो गया प्रोपे अम्ल क्या हो जाएगा अम्ल तो इसमें अम्ल लगाएंगे अपन है ना प्रॉपे अम्ल आपका ये हो गया क्लियर तो जो अपन यहाँ पे खाली जगह छोड़ते हैं ना कि एल्केन अल, वाली जो चेन लगाते कार्बन वाली जो चेन लगाएंगे उसको अपन आर से लिख देते हैं ठीक है तो यहाँ पर ये यह क्या है आर और ये यह अपना यहाँ पर COOH एच ग्रुप हो गया यह है अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्लियर अगला चौथा ग्रुप देखो यहाँ पर बात करते हैं एल्डिहाइड समूह की इसकी एल्डिहाइड समूह की बात करते हैं आपसे देखो नाम देके फॉर्मूला पूछ सकते हैं फॉर्मूला देके नाम पूछ सकते हैं संरचना बनाना पूछ सकते हैं तो आपको आना चाहिए एल्डिहाइड में जो प्रत्यय जो आपके प्रत्यय लगेगा वो लगेगा एल प्रत्यय ठीक है पहली चीज दूसरी चीज आपके एल में लगता है सी एच ओ ये कार्बन की श्रृंखला आर और यह सी एच ओ लगता है जैसे कि मान लो कि पर ये है आपके ठीक है हाइड्रोजन से इसकी सहयोगता पूरी और इसकी तो ऑलरेडी चार है एक दो तीन चार ठीक है यह क्या है देखो दिख नहीं दिख रहा है एल डी हाइट समूह है एक दो तीन कितने कार्बन है तीन है क्या प्रत्यय लगेगा एल प्रत्यय तीन पे क्या आता है मेथ एथ L लगा दो तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपे नेल क्या हो जाएगा प्रोपे नेल इसका नाम हो जाएगा क्लियर हुई कि नहीं हुई बात अब आप अगर इनके फॉर्मूले लिखना चाहते तो आप खुद से लिख सकते हैं देखो कार्बन की संख्या कितनी है? एक दो तो ये वाली ले लो, ले लो, ठीक है? हाइड्रोजन ले दो तीन चारी टू एच फाइव और यहाँ पर ये कार्बन है आपके क्या तो यहाँ पर अपन सी एच ओ लिख सकते हैं सी टू एच फाइव सी एच ओ या फिर इस कार्बन को इसी में ऐड कर दो हाइड्रोजन को इसी में ऐड कर दो और ऑक्सीजन लिख दो ऐसे अपन इनको लिख सकते हैं तो ये क्या है आपका प्रॉपे कार्बोक्सलिक हो गया एल्कोहल हो गया आपके साथ के साथ यहां पर ब्रोमो एल्केन यानी कि हेलो एल्केन हो गया क्लियर अब अपन बात करते हैं किसकी कीटोन समूह की किसकी बात करते हैं कीटोन समूह की बात करते हैं देखो कीटोन समूह में क्या होता है बच्चे आर सी ओ आपके यहां पर आर सी ओ आर यानी कि ये जो है वो आपका है कीटोन समूह ठीक है इसमें जो प्रत्यय लगाएंगे वो लगाएंगे ऑन प्रत्यय एथेनोन प्रोपेनोन ब्यूटेनोन पेंटेनॉन ऐसे ठीक है अब अगर अपन इसकी एक संरचना बनाए तो देखो एक कार्बन कुछ इस तरीके से हमने इसकी संरचना बना दी ठीक है तो यहां पर अपन को यह समूह दिख गया यानी कि हमें पता चल गया ये क्या है कीटोन समूह अब इसका नामकरण हम वैसे ही कर देंगे तो एक दो तीन कितने कार्बन है तीन कार्बन कीटोन समूह लगा हुआ है आपके क्या लगेगा ऑन प्रत्यय लगेगा तीन नंबर पे आपके कौन आता है प्रॉप तो ये आपके क्या बन गया प्रॉपे नॉन बन गया क्या बना प्रॉपर बन गया ऐसे ही आप ब्यूटे भी बना सकते हो पेंटे भी बना सकते हो आप जो है जितने मैंने आपको दस तक नाम लिखाए है ना हर एक प्रक्रियात्मक समूह के नाम लिखो और उन दस तक उनकी संरचना और सूत्र बना के देखो तुम्हारी कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके सूत्र से नाम लिखो नाम से सूत्र लिखो देखना कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी यहां तक बात आई समझ में देखिए हेलो एल्केन के बारे में देख लिया क्लोरीन ब्रोमीन जो है इसमें किसको प्रतिस्थापित करता है हाइड्रोजन को अगर जिनका फंक्शनल ग्रुप में से जिनका विषम परमाणु ऑक्सीजन है तो वो ये सारे समूह हैं आपका एल्कोहल में ओएच OH लगता है एल्डिहाइड में CHO कीटोन में CO और कार्बोक्सिलिक में COOH ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं क्या आपके प्रत्यय लगेगा क्या आपके उपसर्ग लगेगा किस तरीके से नामकरण करेंगे सारी चीज मैंने आपको बता दी है ये सारी टेबल आपको इन फॉर्मूले से इन संरचनाओं से समझ में आ गई होगी क्लियर है बात यहाँ तक अब इन्हीं के बारे में अपन आगे पढ़ते हैं समझातीय श्रेणी इन्हीं के बारे में मतलब यानी कि अगर कोई ऐसी आपको श्रेणी दी गई है जिसमें एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है तो वो आपकी होती है सम जातीय श्रेणी जैसे कि अगर बात करें सी एच थ्री ओ एच फिर इसके बाद सी टू एच फाइव ओ एच और इसके बाद मान लीजिए सी सेवन सी थ्री एच सेवन ओ एच ठीक है ये सी थ्री लिखा हुआ है C3H7OH. तो मैं कहूँ या मैं पूछूं क्या ये समझातीय श्रेणी है बिल्कुल है क्योंकि इसमें देखो OH ग्रुप ने ही हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है तो जब किसी श्रृंखला में से एक ही प्रकार का जो विषम परमाणु है या प्रकरियात्मक समूह है वो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करे वो आपके होती है समझातीय श्रेणी क्लियर समझातीय श्रेणी के भौतिक गुण अलग अलग रासायनिक गुण क्या होते हैं समान क्योंकि भाई एक ही प्रकार का तो प्रकारत्मक समूह आ रहा है तो रासायनिक गुण तो समान होंगे ही ना उसके चलिए आगे देखिए ये सारे मैंने आपको बता दिए एक एक एग्जांपल हेलो एल्केन का अल्कोहल का यहां पर आपके ब्रोमोप्रोपेन क्लोरोप्रोपेन बनाया प्रोपेनॉल बनाया है प्रोपेनैल बनाया है प्रोपे बनाया है और आपके प्रोपेनोइक अम्ल बनाया है आप यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है क्या उपर्ग लगेगा क्या प्रत्यय लगेगा कैसे आपके फॉर्मूले बनेंगे यहाँ तक क्लियर हुई बात सभी को समझ में आ गया ऐसे ही अपन ने वहां पे क्या बनाए थे एल्केन एल्किन एलकाइन बनाए तो एल्किन और एलकाइन में इन और आइन प्रत्यय बता दिया कैसे इनका नामकरण करेंगे फॉर्मूला बनाएंगे ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं अब अपन बात करते हैं यहां पर ये जो कार्बनिक यौगिक अपन बनाए जा रहे हैं इनके रसायनिक गुणधर्मों की यानी कि जो कार्बन की यौगिक है उनमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं अपन को पढ़नी है क्योंकि हमें पता है कि रासायनिक परिवर्तन होते हैं भौतिक परिवर्तन होते हैं तो रासायनिक परिवर्तन जब होते हैं तो उनमें आपके रासायनिक अभिक्रिया भाग लेती है तो यानी कि रासायनिक गुणधर्मों में अपन को कोई ना कोई अभिक्रिया पढ़नी पड़ेगी तो यहाँ पर अपन पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण जिसमें सबसे पहले अपने आते हैं दहन दहन का मतलब होता है किसी भी चीज को जलाना और किसी भी चीज को हम कैसे जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्लियर तो यहां पर कार्बन को वायु की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा जो है अपन को यहां पर मिलती है क्या है अपने पास मीथेन सी एच फोर बनाया था ना फॉर्मूला याद करो फटाफट से उसको अपन ने जलाया किसी भी चीज को किसकी उपस्थिति में जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो आपके क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड जल और यहां से ऊष्मा जो है वो बनी ये क्या है आपकी ये है दहन किसी भी चीज को जलाओ तुम किसी भी चीज को आपके यहां पर जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी जैसे कि हमने क्या किया यहां पर एथेनॉल ले लिया अब एथेनॉल का देखो तुम खुद ही फॉर्मूले से संरचना बनाओ और खुद ही नाम से फॉर्मूला बनाओ देखो एथेनॉल मैंने कह दिया एथेनॉल का तुम खुद फॉर्मूला बनाओ कैसे बनाओगे एथेनॉल का फॉर्मूला देखो एथ होता है आपके मेथ एथ दो नंबर पे आता है यानी कि कार्बन की संख्या होगी दो ऑल प्रत्यय लगा हुआ है यानी कि फंक्शनल ग्रुप होगा ओ OH. क्लियर तो अपने यहां पर सी टू एच फाइव ओ एच हाइड्रोजन को किसने प्रतिस्थापित कर दिया ओ OH एच ने प्रतिस्थापित कर दिया तो फॉर्मूला बन गया सी टू एच फाइव ओ एच किसका एथेनॉल का भी इसको अपन ऐसे खोल के भी लिख सकते हैं है ना नहीं लिख सकते नहीं लिख सकते ये वाली जो आपके रिएक्शन है वो आपके एक शॉर्ट वीडियो के अंदर भी करवाई गई है आप उसमें आराम से देख सकते हैं जब आप शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर एक जो एक्सपेरिमेंट है वो किया गया है कंबशन ऑफ इथेनॉल के नाम से तो यहाँ पर इथेनॉल है इसको जब जलाया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड जल और व प्रकाश मिला ये वाला आपके एक्सपेरिमेंट किया हुआ है आप वहां पर जाके देख सकते हैं आपको दिख जाएगा आराम से कैसे पानी बना कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे शू करके निकली ऊपर और ऊष्मा व प्रकाश अपन को मिला तो ये हुई आपकी पहली अभिक्रिया जब भी किसी कार्बनिक योगी को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और ऊष्मा भी मिलती है कोयला व पेट्रोलियम ईंधन के दहन पर सल्फर व नाइट्रोजन के जब आपने कोयला पेट्रोल को जलाते हो ना तो सल्फर और नाइट्रोजन के क्या होते हैं हमें ऑक्साइड मिलते हैं ठीक है अब ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वो पर्यावरण के प्रदूषक है कैसे देखो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बने फिर क्या हुआ ये ऊपर जाके किससे अभिक्रिया करते, है? करते हैं जलवाष्प से अभिक्रिया करते हैं जलवाष्प से अभिक्रिया करने के बाद ये क्या बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और इसका भी आपका एक शॉर्ट वीडियो बनाया गया है आप वहां पर जाके देख सकते हैं शॉर्ट्स वाले सेक्शन में ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं अब ये क्या करते हैं वर्षा के जल के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसकी पीएच कम कर देते हैं और वर्षा के जल के रूप में धरती पर आते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं अम्लीय वर्षा कहते हैं क्योंकि उसकी पीएच क्या हो गई कम हो गई तो उसको कहते हैं अपना बिल्लीय वर्षा तो ये क्या है आपके पर्यावरण के प्रदूषक है जो हमारे पर्यावरण को क्या हैं दूषित करते हैं क्लियर संतृप्त हाइड्रोकार्बन अब तुम्हें एक बढ़िया बात बताई जाए देखो जब आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हो यानी कि को जलाते हो तो आपको स्वच्छ ज्वाला देते हैं नीले कलर की लेकिन जब आप, आप असंतृप्त यौगिकों को जलाते हो तो वो आपको काले धुए वाली पीली ज्वाला देते हैं जैसे अगर अपन बात करें ना एलपीजी सिलेंडर की तो एलपीजी सिलेंडर में आपके होती है प्रोपेन ब्यूटेन है ना प्रोपेन ब्यूटेन जैसी गैसेस होती है अब ये क्या है आपके एलकेन है तभी तो आप जब वो सिलेंडर अपन जब गैस जलाते हैं रोटी बनाते हैं गैस पे तो नीले कलर की तुमको दिखाई नहीं देती क्या वो नीले कलर की क्यों है क्योंकि एल्केन है और एल्केन जलने पे यानी कि संतृप्त जो है आपके ये जलने पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पे स्वच्छ नीली ज्वाला देते है, कोई धुआं नहीं निकलता उसमें अब तुम वही रोटी सेक रहे हो मान लो रोटी सेक रहे हो और वहीं पर आपकी एक रोटी का टुकड़ा गिर जाए तो जब उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो वहां से धुआं होने लगता है है ना? आपको पीली कलर की ज्वाला जो है वहां पे दिखने लगती है करके देखना है इसको आज तो स्वच्छ ज्वाला देते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर नीले कलर की और असंतृप्त आपके देते हैं क्या पीली ज्वाला क्लियर दूसरा देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कार्बनिक यौगिकों की देखो कुछ ऑक्सी कारकों की उपस्थिति में आपके जो एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है वो दूसरे प्रकार के कार्बनिक यौगिक में बदल जाता है जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है एल्कोहल है अब किसी भी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकारक मैंने ले लिया मान लीजिए पोटेशियम पर मैगनेट के एम एन ओ फोर या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट के टू सी आर टू ओ सेवन तो इनकी उपस्थिति में क्या होगा अल्कोहल जो है वो दूसरे कार्बनिक यौगिक में यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है इसको अपन क्या कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है देखिए यहां पर कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है अपन ऑक्सीकारक कहते हैं और ऑक्सीकारक के रूप में अपन ने किसको काम में लिया है पोटेशियम डायक्रोमेट को और पोटेशियम पर मैग्नेट को क्लियर यहां पर अब देखिए क्या हुआ एक प्रकार का कार्बनिक यहां पर ये क्या है देखो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच ओ एच लगा है इनकी अल्कोहल है ये है आपका एथेनॉल बच्चे क्या है ये एथेनॉल इन ऑक्सीकारक की उपस्थिति में देखो सी एच थ्री सीओओ बना है जिसको अपन ने क्या कह दिया यह है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल सीओ एच लगा हुआ है ना तो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो एक किस किसकी उपस्थिति में ऑक्सीकारक की उपस्थिति में एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक दूसरे प्रकार के कार्बनिक यौगिक में बदल रहा है इसको अपन कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्लियर तीसरे टाइप की अभिक्रिया देखिए संयोजन अभिक्रिया बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी अभिक्रिया है इसमें क्या होगा ये आपके यहां पर असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त बनाने के लिए परमाणु जो है या उसका समूह असंतृप्त यौगिकों में जोड़ा जाता है यानी कि असंतृप्त यौगिकों से क्या बनाए जाते हैं असंतृप्त मतलब एल्कीन और एल्काइन। तो यहां पर एल्कीन से आपके क्या बनता है संतृप्त यौगिक संतृप्त के अंदर आपके कौन आते हैं एलकेन आते नहीं आते संतृप्त के अंदर अपने आते हैं तो आपके संत्रप्त से संतृप्त बनाने की जो विधि है वो है आपके संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया संयोजन क्यों कहा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है है ना और ये किसकी उपस्थिति में होता है किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक क्या होते हैं जो अभिक्रिया को दर को बढ़ा देते हैं वो आपके उत्प्रेरक होते हैं उत्प्रेरक ना तो अभिक्रिया को चालू करेंगे ना ही अंत करेंगे अभिक्रिया की दर को बढ़ा देंगे वो होते हैं आपके उत्प्रेरक क्लियर तो यहां पर निकल और पैलेडियम की उपस्थिति में जो है आपके ये अभिक्रिया होती है अब आपको एक चीज बताई जाए इंटरेस्टिंग सी देखो संतृप्त यौगिक जो होते हैं ना वो खाने में अच्छे नहीं होते योगिक जो होते हैं ना उनको खाना चाहिए असंतृप्त यौगिक के अंदर आते हैं आपके वानस्पतिक तेल क्या आते हैं वानस्पतिक तेल जो है असंतृप्त के अंदर आते हैं अब आप कहोगे कि मैम जब असंतृप्त खाना चाहिए तो हम संतृप्त में क्यों बदल रहे हैं इसको नहीं बदलना चाहिए तो जो संतृप्त यौगिक होते हैं उनको स्टोर करके रखना उनका भंडारण करके रखना इजी होता है इसलिए अपन संतृप्त में बदल देते हैं उनका उपयोग करना चाहिए क्लियर देखो पहले निकल की उपस्थिति में करेंगे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है एल्कीन है असंतृप्त को निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त में बदला है ये आपके क्या है यहां पर संयोजन या संकलन अभिक्रिया है दहन हुआ ऑक्सीकरण हुआ संकलन हुआ चौथी अपनी आती है यहां पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि कोई किसी को प्रतिस्थापित कर दे जैसे कि मान लो मेथेन है क्या है मैथिन अब इस मैथिन में चार हाइड्रोजन जुड़े हुए कार्बन के साथ इसकी मैंने अभिक्रिया करा दी क्लोरीन के साथ किसकी उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट में जब अभिक्रिया कराई तो क्लोरीन ने क्या किया इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया और इसके साथ आके जुड़ गया तो आपने क्या बना सी एच थ्री सी एल और हाइड्रोजन जो है इसके साथ प्रतिस्थापित हो गया तो इसीलिए सी एल बन गया यानी कि यहां पर संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को जब कोई दूसरा परमाणु आके क्या कर दे प्रतिस्थापित कर दे तो उसे अपन कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्लियर चारों प्रकार की अभिक्रिया हो गई ये तो हुई किसकी बात नॉर्मल अभिक्रियाओं की लेकिन अभी कुछ तो बाकी है कुछ कार्बनिक यौगिकों के बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं जिसमें से आपको पढ़ना है सबसे पहले एथेनॉल के बारे में और फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन एसिड के बारे में क्लियर चल बात करते हैं एथेनॉल की एथेनॉल क्या आपका ही है पहले तो तुम तो 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 एथेनोल का फॉर्मूला बनाओ एथ है तो दो कार्बन होंगे ऑल है तो ओएच OH समूह होगा तो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया ओएच OH समूह ने मैं इसकी संरचना बना देती हूं यहां पर ये यह आपके हाइड्रोजन 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 और ये आपके ओएच OH समूह ने प्रतिस्थापित कर दिया क्लियर तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होगा C2H5OH अब इसको H को अगर अपन इसमें जोड़े तो अपन इसका फार्मूला C2H6O भी लिख सकते हैं क्लियर ये क्या है एथेनॉल ये जो जितने भी लोग अल्कोहल का पेय पदार्थों का सेवन करते हैं अल्कोहल का सेवन करते हैं उसके अंदर आपका ये एथेनॉल ही होता है तो ये पेय पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जिसके बाद आप जो है यही गाना गाते हैं मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की है ना या मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया का तो ये जो एथेनॉल है वो आपके क्या है एल्कोहल है एक अच्छे विलयक की तरह कार्य भी करता है विलायक का मतलब वो क्या होता है जिसमें चीजें घोली जाती है ठीक है पेय पदार्थ के रूप में भी एथेनॉल का यूज होता है एल्कोहल कहते हैं एथेनॉल को कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है और आपके अच्छा विलायक है जिसमें चीजें घुल जाती है इसके उपयोग क्या है तो देखो एल्कोहली पेय पदार्थों में साथ के साथ आपने देखा होगा ना कि जैसे एल्कोहली पेय पदार्थ है फ्री हो तो नशा आएगा है ना आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है केंद्रीय तंत्री का तंत्र उस पर प्रभाव डालते हैं इसलिए आपको नशा आता है आपने कभी देखा है जब आप कफ सिरप पीते हैं खांसी हो जाती है कफ सिरप पीते हैं तो उसके बाद भी आपको नशा आता है हल्कल की नींद आने लगती है ऐसा क्यों क्योंकि कफ सिरप के अंदर भी आपके कौन होता है यही एल्कोहल यानी कि इथेनॉल होता है उसके अंदर बहुत कम मात्रा में होता है इसलिए अपन को हल्कल का नशा आता है कफ सिरप पीने के बाद टिंचर चार आयोडीन औषधियों में आपके एथेनॉल यानी कि अल्कोहल का यूज किया जाता है किसका एथेनॉल का अब अल्कोहल में आपके मेथेनॉल भी आता है क्या आता है अल्कोहल के अंदर मेथेनॉल भी आता है लेकिन ये जो मेथेनॉल होता है ना वो बड़ा ही जहरीला है क्या है जहरीला है एथेनॉल को पी सकते हैं मैथेनॉल को नहीं पी सकते आपने कभी अगर देखा हो न्यूज में कि आ, ऐसी न्यूज आती है कि जहरीली शराब पकड़ी है ना जहरीली चल शराब को शराब को किया नष्ट ऐसा क्यों तो यहाँ पर उसमें क्या मिला दिया जाता है मैथनॉल मिला दिया जाता है जिससे वो जो शराब होती है वो कैसी हो जाती है जहरीली हो जाती है और उसको पी के आदमी मर जाता है आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे लोग सैनिटाइजर पी गए थे सैनिटाइजर में भी एल्कोहल था अब उसमें ये पीने वाला एल्कोहल नहीं था ना लेकिन लोग तो उसको समझ के पी गए और फिर बस हो गया काम सब कुछ बंद था भाई कोरोना में तो ये क्या है आपके अल्कोहल यानी कि इथेनॉल चलिए आगे देखिए औद्योगिक मिथाइलेटेड स्प्रिट बनाने में और इसे जलाने पर सीओ टू में जल निकलता है ईंधन के रूप में भी उपयोगी क्योंकि अभी आपको याद हो तो हमने ये अभी क्रिया पड़ी थी कि जब आपके इथेनॉल को जलाया जाता है सी टू एच फाइव ओ एच को जलाया जाता है इसका कंबशन किया जाता है तो आपके क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है और साथ के साथ प्रकाश या ऊष्मा भी बनती है तो CO2 में जल निकलता है इसीलिए अपन इसको CO2 जल निकल रहा है इसीलिए ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं क्लियर हो गई बात समझ में आई चलिए आगे देखिए इसकी कुछ अभिक्रियाएं देख लेते हैं सबसे पहले सोडियम के साथ अभिक्रिया एल्थनॉल ले लो C2H5OH ये ले लिया एथेनॉल इसको देखो तो ओपन करके लिखा है जो मैं कह रही हूं ना C2H5OH वो यही है सी एस थ्री सी एस टू ओ एच सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया तो यहां पर आपके क्या हुआ हाइड्रोजन गैस निकल गई यानी कि सोडियम एथॉक्साइड बन गया आपने क्या करना है इसमें से हाइड्रोजन गैस निकाल दो बाकी इस सोडियम को इसके साथ लगा दो ठीक है सोडियम एथोक्साइड बन गया दूसरी अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया यानी कि अपन को क्या बनाना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन बनाना है अपने पास क्या है एथेनॉल है अपन ने क्या किया 443 फोर्टी थ्री टेम्परेचर में टेम्परेचर पर जो सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 उसके साथ इसकी अभिक्रिया करवाई तो आपके क्या हुआ क्या बन गया एल्कीन बन गया इनकी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है बस आपको याद रखने कि इसमें डाला क्या है क्या अभिक्रिया किससे करवाई है क्लियर देखिए विकृत एल्कोहल क्या होता है अभी बताया मैंने आपको क्योंकि जो मैथेनोल होता है ना वो क्या होता है? है, है। ऑक्सीकृत बन बन जाता है। बन जाता है। देखो, एथेनॉल में जब मैथनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाए तो इसमें रंजक मिलाकर रंग नीला बना दिया जाए तो अल्कोहल विकृत अल्कोहल कहलाता है जिसे अपन कहते हैं जहरीली शराब ना, क्या कहा जाता है जहरीली शराब कहा जाता है क्लियर चलिए आगे देखते हैं दूसरा अपना कार्बनिक यौगिक मैंने आपको बोला कि दो कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे पहला है अपना एल्कोहल और दूसरा है अपना एथनोग अम्ल एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला बनाएंगे पहले अम्ल क्या लगा हुआ है प्रत्यय अय कम्ल प्रत्यय लगा हुआ है क्या लगा हुआ है अय कम्ल प्रत्यय लगा हुआ है यानी कि फंक्शनल ग्रुप प्रक्रियात्मक समूह कौन सा होगा सी होगा एथ है यानी कि कार्बन की संख्या कितनी दो एक केरी एक और कार्बन होगा इसी की संयोजकता पूरी कर दो हाइड्रोजन 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 तो फॉर्मूला क्या बन गया सी क्या ये फॉर्मूला हो गया एथेनोइक एसिड का बिल्कुल हो गया आपको नाम पता है तो आप आराम से फॉर्मूला बना सकते हैं क्योंकि सारे प्रक्रियात्मक समूह के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं क्लियर ये क्या है आपका एथेनोइक एसिड जिसे अपन क्या कहते हैं एथेनोइक अम्ल को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है क्या कहा जाता है एसिटिक एसिड कहा जाता है अब ये देखो अम्लीय प्रकृति का होगा क्योंकि ये है ही क्या अम्ली तो है तो कैसी नेचर का होगा अम्लीय प्रकृति का देखो सामान्यतः एसिटिक एसिड अपन इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है क्योंकि इसमें कौन सा समूह लगा हुआ है सीओओ एच लगा हुआ है यानी कि तीन से चार प्रतिशत वाला सोल्यूशन बनाया जाए तो वो आपका होता है तीन से चार परसेंट विलियन आपके यहां पर सिरका विनेगर अचार के परिरक्षण में सिरका यूज किया जाता है अपन चाउमीन वाउमिन बनाते हैं ना ऐसे चाइनीज फूड उसमें भी तो सिरका यूज होता है तो इसका यूज किया जाता है सिरके का अचार के परिरक्षण में चाउमीन फास्ट फूड ये बनाने में क्लियर देखिये इसका गलनांक कितना होता है दो सौ नब्बे कैल्विन होता है ये ठंडी जलवायु शीत ऋतु में जमने लगता है इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड आसेट कहते हैं प्रकृति कैसी है अम्लीय अम्ल है तो भाई अम्लीय प्रकृति होगी और ये आपके गंधहीन पदार्थ है अब बात करते हैं जैसे अभी अपन ने यहाँ पर अल्कोहल में रासायनिक अभिक्रिया देखी थी एथेनॉल के अंदर ऐसे ही रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे हम किसमें एथेनोइक अम्ल के अंदर सबसे पहले देखते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया देखो अभी-अभी मैंने आपको कुछ प्रक्रियात्मक समूह बताए अल्कोहल बताया जिसमें अपन ने ROH लिखा कार्बोक्सिलिक बताया जिसमें RCOOH लिखा एल्डिहाइड बताया जिसमें RCHO ओ -ओ लिखा कीटोन बताया जिसमें आर सी ओ आर लिखा अब एक और है ऐसे ही आपके वो है एस्टर एस्टर में क्या होता है आर सी ओ ओ आर क्लियर तो ये क्या है आपके एस्टर तो यहां पर क्या होगा ये दोनों चीजें जो है ना अपनी अभी अपन ने एथेनॉल पढ़ा और अभी अपन एथेनोइक एसिड पढ़ रहे हैं एथेनॉल और एथेनोइक एसिड इन दोनों की अभिक्रिया करवा दो ठीक है ये यह क्या है एथेनोइक एसिड ये क्या है एल्कोहल इनकी अभिक्रिया करवाने पर आपको क्या मिलेगा एस्टर मिलता है क्या मिलता है एस्टर और इसे ही अपन कहते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या कहा जाता है इसे ही कहा जाता है एस्टरीकरण अभिक्रिया जब एथेनॉल की रिएक्शन करवाई जाती है एथेनोइक एसिड के साथ क्लियर दूसरी अभिक्रिया है साबुनीकरण अभिक्रिया इसमें क्या होगा अगर, अगर अपन शार की उपस्थिति में शार कौन सा ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसकी उपस्थिति में जो एस्टर है वो वापस से क्या होता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है जिसे अपन कहते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होगा देखो भाई एस्टर जो अपना बना है क्या बना था आर सी ओ O, R. ये बना था इसको किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई एन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई तो आपके क्या होगा वापस से एल्कोहल बनेगा ये एल्कोहल बना और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनेगा यानी कि आर सी ओ एन ए ये बनेगा इसे अपन कहते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया एस्टर का उपयोग साबुन बनाने के लिए इसकी गंध अच्छी होती है एस्टर की इसीलिए इसका साबुन के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं वो अभी अपन साबुन के अंदर पड़ेंगे क्लियर है यहां तक बात देखिए इसमें क्या हुआ एस्टर है आर सी ओ आर शारक की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई एथेनॉल वापस से पुनः एल्कोहल और लंबी श्रृंखला वाला आपका क्या बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन गया रिएक्शन को रटने की जगह उनको समझ के लिखने की कोशिश किया करो आपको यू ही आ जाएगी तीसरी अभिक्रिया देखते हैं अब यहां पर शारक के साथ अभिक्रिया किसकी एथनोइक की तो सबसे पहले तो तुम एसिड ले लो उसको शारक के साथ मिक्स कर दो एन एच क्या बन गया सी एच थ्री सी ओ ओओ एन ए और वाटर निकाल दो यहाँ से सीधे सीधे ये आपकी शारक के साथ अभिक्रिया हो गई और चौथी अभिक्रिया है अपनी यहाँ पर किसके कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हमेशा याद रखना है जब भी आपके पास कार्बोनेट हो तो सीओ थ्री लगा होगा तो कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो तो यहां पर जब एथनॉइक एसिड की सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन की जाती है तो आपके क्या बनता है सोडियम एसिटेट यानी कि लवण बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा ये क्या है सोडियम एसिडेट लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड मैंने क्या कहा जहां भी कार्बोनेट दिखे सीओ टू निकालनी है यहां भी आपके लवन, जल और तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके यहां से निकल गई क्लियर हो गई बात ये हुई आपके एथेनोइक एसिड की अभिक्रियाएं अब बात करते हैं आपके चैप्टर के लास्ट टॉपिक की जो है आपका साबुन तथा अपमार्जक साबुन तथा अपमार्जक दोते हो वही कपड़े दाग वाग लग जाते हैं तो साबुन यूज करते हो अब ये जो साबुन है कैसे बनते हैं अभी अभी मैंने आपको एक साबुनीकरण की अभी क्रिया बताई थी ना जिसमें क्या हुआ था साबुन जो है वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के लंबी श्रृंखला मान लो कार्बन की है आर कार्बोक्सिलिक अम्लों के ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में अपन सीओओ एच लगाते हैं उसके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं तो एन ए सोडियम या फिर पोटेशियम के लिए के लिखेंगे तो साबुन जो है वो लंबी श्रृंखला वाले कमलों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं जब अपन साबुन की श्रृंखला बनाते हैं ना तो उसके साबुन की जब संरचना बनाते हैं तो उसके दो भाग होते हैं ये वाला जो भाग है ये वाला सिरा है ये पूछ वाला सिरा है और ये वाला जो भाग है सिरा है इसे अपन कहते हैं सिर ठीक है ये जो सिर वाला भाग होता है ये आयनित सिरा होता है ठीक है सोडियम वाला ठीक है ये आयनित सिरा है, एने. अब ये जो सिर है ना वो आपके क्या होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक यानी कि जलरागी सिरा ये क्या होगा आपका जलरागी सिरा होगा और जो पूछ वाला होता है वो होता है आपके जल विरागी हाइड्रोफोबिक देखो दोनों चीजें बता देती हूं जल रागी हाइड्रोफिलिक क्या है हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है बच्चे जो कि पानी से प्रेम करे हाइड्रोफोबिक फोबिक मतलब डर तो हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो पानी से डरे तो यहां पर हाइड्रोफोबिक जो पूछ वाला सिरा था वह हाइड्रोफोबिक होता है पानी से डरेगा पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा वो रिएक्ट किसके साथ करेगा जो वो गंदगी है तो मान लो ये गंदगी है इस गंदगी के साथ रिएक्ट कौन करेगा पूछ वाला सिरा और जो भाग है ये सिर वाला ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा गंदगी के साथ पूछ पानी के साथ ये सिर गंदगी साथ पूछ ये पानी के साथ सिर इस तरीके से ये जो है गंदगी के साथ तो आपके कौन सा सिरा पूछ वाला सिरा हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विरागी सिरा और पानी के साथ जल रागी सिरा जो है अभिक्रिया करता है और एक संरचना का निर्माण करता है जिसे अपन कहते हैं मिसैल संरचना ऐसे तुम देखते नहीं हो एडवेट साबुन के ऐसे चक्कर सा घूम के आता है और उस गंदगी को ऐसे खींच के बाहर निकाल लेता है तो ये वही चीज है ये क्या है आपकी गंदगी ये पूछ वाला सिरा जिसे अपन जल विरागी कह रहे हैं ये सिर है जो कि आपके क्या है जल रागी है ये तो करेगा पानी के साथ अभिक्रिया और यह करता है इस तेल की बूंद के साथ चिकनाई के साथ अभिक्रिया किसका निर्माण करता है मिसेल की संरचना बनाता है तो आपके साबुन क्या है लंबी श्रृंखला वाले करबोक्सलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन जो है वो आपके कठोर जल के अंदर झाग नहीं देते हैं कठोर जल में झाग नहीं देते हैं साबुन जबकि आपके अपमार्जक देते हैं अब अपमार्जक क्या है यह भी पता होना चाहिए साबुन से निकल रहा है डिटर्जेंट डाल दो तो।, तो इसके बारे में अपन देखते हैं देखो साबुन क्या है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक कमलों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक कमलों के सोडियम या फिर पोटेशियम लवण है साबुन का आयनिक भाग जल में कार्बन श्रृंखला तेल में डूबती है और मिसाइल संरचना का निर्माण करती है इस तरीके से ये गंदगी है ठीक है ये पूछ वाला सिरा और ये आयनित भाग ये पूछ वाला सिरा ये आयनित भाग ये पूछ वाला सिरा ये आयनित इस तरीके से पूरी जो संरचना बनेगी वो आपकी क्या बनेगी मिसाइल बनती है क्लियर साबुन के मिसाइल प्रकाश को आपने देखा होगा कि जब ना आप साबुन को घोलते हो तो आपको ऐसे बादल से नजर आते हो उसमें रेनबो से नजर आता है उस झाक के अंदर ऐसा क्यों तो ये जो मिसाइल है ना वो प्रकाश को क्या करते हैं प्रकीर्णित करते हैं इसकी वजह से साबुन का घोल आपको बादल जैसा दिखता है है ना प्रकीर्णन की वजह से ही आपको बादल जैसा साबुन का घोल दिखता है अब बात करते हैं किसकी भाई यहाँ पर किस तरीके से गंदगी साफ हुई देखो ये क्या है चिकनाई है साबुन लगाया अब इसके दो सिरे आपको नजर आ रहे होंगे इस चिकनाई से कौन सा वाला सिरा काम करेगा अब अभिक्रिया करेगा जल विरागी सिरा तो ये देखो जल विरागी सिरा ये सफेद वाला ये जो ब्लू वाला है ये आपके जल रागी सिरा ये पानी के साथ और ये तेल के साथ चिकनाई के साथ और इस तरीके से मिसेल की संरचना बना के इस गंदगी को बाहर खींच लेगा ये क्या है इस प्रकार से मिसेल बना के साबुन गंदगी को बाहर खींचता है और कपड़ों की सफाई करता है अब एक क्वेश्चन आता है कि साबुन और अपमार्जक में फर्क क्या है डिटर्जेंट में और सोप में फर्क क्या है साबुन जो है वो आपके कठोर जल के साथ झाग नहीं देता जबकि जो अपमार्जक है वो देता है साबुन जो है वो लंबी श्रृंखला वाले करबोक्सली कमलों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं जबकि ये जो अपमार्जक होते हैं वो आपके अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं ठीक है साबुन जो है वो आपके क्या करता है इसमें कठोर जल में उपस्थित आप कठोर जल में किसकी अशुद्धियां होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां पाई जाती है कठोर जल के अंदर साबुन में क्या होगा ये इसकी कैल्सियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियों के साथ एविले पदार्थ यानी कि एक प्रेसिपिटेट बना लेते एक एविले बना लेते हैं अपशेप बना लेते हैं लेकिन डिटर्जेंट ऐसा नहीं करते ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियों के साथ एविले पदार्थ नहीं बनाते हैं इसीलिए अपमार्जक जो है वो आपके कठोर जल में भी झाग देते हैं जबकि साबुन नहीं देते और यहाँ पर ये हुआ अपना ये चैप्टर कंप्लीट याद हुई सारी चीजें सबसे पहले हमने बात की कार्बन के बारे में हमने कार्बन की प्रकृति के बारे में इसके बाद हमने बात की कार्बन के अपर रूपों के बारे में इसके बाद अब हमने बात की कार्बन की कुछ कार्बनिक यौगिकों के बारे में संतृप्त और असंतृप्त के बारे में फिर हमने प्रक्रियात्मक समूह के बारे में बात की उसके बाद कार्बनिक यौगिकों के तो रासायनिक गुणधर्मों की बात की फिर कुछ कार्बनिक यौगिक अल्कोहल और एथेनोइक एसिड के बारे में बात की जिनमें कुछ अभिक्रियाओं को हमने देखा और फिर लास्ट में हमने पढ़ा है साबुन तथा अपमार्जक और इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे हो गया क्लियर आगे गई बात में सारी चीजें याद हो गई दिमाग में तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए स्वस्थ रहिए और हाँ अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फटाफट से इस क्लास को लाइक कीजिए धन्यवाद